नमस्कार, मैं हेना प्रसून एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष ज्योतिष के नए कार्यक्रम को लेकर। और आज हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की। मंगल ग्रह के बारे में हम लोग चर्चा शुरू करें, इसके पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, निवेदन करूँगी कि आप मेरे चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। और इसके साथ मैं ये भी आग्रह करूंगी कि आप अपने कमेंट्स को जब आप लिखते हैं मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, तो मैं सभी कमेंट्स को पढ़ती हूं और जहां तक हो सके मैं सहायता करने की कोशिश करती हूं। मुझे आप सभी के संदेश पाकर बहुत खुशी होती है कि आप लोग ने अपना इतना प्यार और स्नेह दिया है, इसके लिए मैं दिल से बहुत हृदय से आभारी हूँ। इसके अलावा जब मैं बात करूंगी मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में, तो मैं एक पहले से बता दूं कि चूंकि मंगल अपनी राशि को बुध, इसके पहले बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे, अब वहां से निकलकर चंद्रमा की कर्क राशि में आ रहे हैं। ये एक जल तत्वीय राशि है और मंगल चूंकि, जैसा मैंने पहले भी बताया, वो आग के गोला है, बिल्कुल एकदम गर्म ग्रह हैं। और ये जब जल तत्वीय राशि में कर्क राशि में आते हैं तो नीच के माने जाते हैं। अब मंगल ओज और जोश और गर्मी के प्रतीक हैं और वो जब जल तत्व में आते हैं तो बिल्कुल स्टीम सी एनर्जी निकलती है वो, इसलिए वो अपनी शक्ति उतना खो देते हैं, वो अपने एलिमेंट में नहीं रहते हैं मंगल, इसके लिए उन्हें कर्क राशि में नीच का माना जाता है। तो अब चूंकि जब ये कर्क राशि में नीच के हो रहे हैं तो हम सभी 12 राशि वालों लोगों के लिए ये नीच के हो रहे हैं और ये सभी 12 राशि में कर्क राशि तो कहीं ना कहीं होती ही है, तो उस भाव को अफेक्ट करते हैं। इसमें चूंकि मंगल की स्थिति ही अभी कमजोर है, इसके लिए एक कुछ बहुत चमत्कार की आशा करना व्यर्थ रहेगा, लेकिन इसके साथ ही मैं आग्रह करूंगी कि आपको, आप में से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। मंगल हर साल जाते हैं कर्क राशि में, हर साल कुछ राशियों के लिए संघर्ष का समय रहता है, यही जीवन का मतलब भी है कि हम सुखों को भी तभी अनुभव कर पाते हैं जब हम दुख से होकर गुजरते हैं। मिठाई का भी मिठास तभी हमें अच्छा लगता है जब हम कुछ तीखी चीज को खाने के बाद मुंह मीठा करते हैं, यही बात है, जीवन इसी का नाम है, सुख दुख आते जाते रहते हैं और यही जीवन को सुस्वादु भी बनाते हैं। तो आइए अब एक एक करके मैं सभी राशियों की चर्चा करने वाली हूँ। इसे, इस फलादेश को आप अपनी चंद्र राशि से देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जैसा मैंने सोचा, जैसा मैंने आपको फलादेश दिया, राशिफल बताया, वैसा कुछ हुआ या नहीं। तुला राशि वाले लोगों के बारे में बात करूं तो तुला राशि वाले लोगों के लिए ये मंगल जो नीच राशि में जा रहे हैं उनके दशम भाव में जा रहे हैं। तो दशम भाव आपके पिता का होता है, प्रसिद्धि का होता है, आपके कार्य क्षेत्र का होता है, आपके नौकरी और पेशे का होता है और आपकी प्रसिद्धि का भी होता है। पिता को थोड़ी हार्ट की बीमारी से आप बिल्कुल ऐसी आप निगरानी बना के रखिए कि पिताजी को कोई भी, उनकी तबीयत खराब ना होने पाए, उनके हृदय रोग का कोई कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए, आप इसके लिए बिल्कुल निगरानी बना के रखिए। हो सकता है अगर आप तुला राशि की हैं और स्त्री हैं तो आपकी सासू माँ की भी तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, नासाज हो सकती है, इसके लिए भी आप बिल्कुल अपने को ऐसी स्थिति ना आने पाए इसका ध्यान रखिए आप। इसके अलावा व्यवसायिक जीवन में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, मेहनत मशक्कत तो रहेगी ही, मंगल नीच के हैं लेकिन मेहनत के बाद आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अति आत्मविश्वास में आप थोड़ा सा नुकसान कर सकते हैं क्योंकि मंगल तो है ही जोश खरोश के द्योतक, तो हो सकता है कि आप अति आत्मविश्वास में आके कुछ जोश में होश खो बैठें, तो इसके लिए आप थोड़े से सतर्क रहें। आपको हो सकता है कि अलर्टनेस में थोड़ी कमी आ जाए, आप बिल्कुल एकदम ऐन वक्त पे कुछ बहुत ज़रूरी बात भूल सकते हैं और जिससे थोड़ा सा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप थोड़े सजग रहें।
आपकी अभी उच्चाधिकारी कार्य क्षेत्र में आप जहाँ भी अपने ऑफिस या वर्क प्लेस में, ये मान के चलिए कि अभी उच्चाधिकारी आपके कितनी भी आपकी अच्छी जो कार्यशैली है उसको पहचान नहीं पाएंगे, परख नहीं पाएंगे, या उनकी बुद्धि पर या उनके आंखों के आगे पर्दा पड़ा रहेगा। तो इस चीज़ के लिए आप अपने कार्यों से अपने उच्च स्तरीय अधिकारी को अवगत कराते रहें, उन्हें लूप में रखें और किसी को ये मौका ना दें कोई तीसरे पक्ष का व्यक्ति जाके आपके खिलाफ कुछ उनको आपके सीनियर्स को कुछ कान भरे या इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप कराए। नए जॉब को चेंज करने के लिए आप बिल्कुल अभी मत सोचिएगा, ये समय उपयुक्त नहीं है। प्रेमी युगल के बीच में भी थोड़ी सी तनातनी हो सकती है, थोड़ी तनाव की स्थिति बढ़ सकती है, तो इसके लिए आप थोड़े से सजग रहेंगे। और पुरानी गृहस्थी जिनकी है, जिनके शादी को सालों बीत गए हैं, उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा संभलने वाला है। संबंधों में दरार ना आने पाए, तनाव ना उपजने पाए, इसके लिए आप थोड़े सतर्क रहिए। अब बात करूंगी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये नीच के मंगल का गोचर उनके नवम भाव में होने वाला है। नवम भाव आपके विदेश यात्रा का भी होता है, भाग्य भाव भी होता है, आपके पिता के स्वास्थ्य का भी होता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर मैं देखूं तो यहाँ जो वृश्चिक राशि के स्वामी ही हैं मंगल, जो मंगल की दो राशियां हैं उसमें एक मेष और वृश्चिक है, तो यहाँ पर तो आपके राशि स्वामी ही आ रहे हैं, लेकिन फर्क यही है कि वो नीच राशि में होकर आ रहे हैं तो उतना आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अपनी राशि है तो उसको डैमेज भी नहीं करेंगे। हाँ, आपकी बोली में थोड़ी सी एग्रेशन आ सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि अभी आप सर्वे सर्वा हो गए हैं, आप दूसरों को ओवर पावर कर सकते हैं, तो इस तरह थोड़ा सा आप अपने बड़प्पन का परिचय देंगे और इस तरह की स्थिति को नहीं उपजने देंगे। तो इसके अलावा मैं देखूं तो गोचर सबके लिए ऐसा ही है कि ये लड़ाई झगड़े का समय रहेगा, नीच के मंगल हैं तो वो मौका खोजेंगे कि आप कुछ गलती करें और फिर वो एग्रेशन में भर के आपको जोश में होश गंवाने को मजबूर करें, लेकिन आप अपने तरफ से कोई मौका नहीं दीजिए कि मंगल अपनी कोई भी इस तरह की कारस्तानी दिखा सकें। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो गोचर खत्म होते, एक बात है, गोचर खत्म होते ही आपको किसी बड़े लाभ की संभावना बन रही है, बड़ी उपलब्धि मिल सकती है आपको और आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एक है, एक और बात के लिए मैं सतर्क करना चाहूँगी कि इस गोचर काल के दौरान आपको आपके ऑफिस में आपके सहयोगी आपके मुंह के सामने कुछ मीठी मीठी बातें कर सकते हैं और पीठ पीछे जाकर आपका कुछ वो ऐसी डैमेजिंग हरकतें कर सकते हैं जिससे आपके करियर में आघात पहुँचे। तो इस तरह की स्थिति के लिए आप बिल्कुल अपने सारे जितने भी एंटीना हैं उन सबको खोल के रखिए और इस तरह के दुश्मनों की कारस्तानी को, सहकर्मियों के दुस्साहस को आप कामयाब होने नहीं दीजिए। धनु राशि वाले लोगों के बारे में बात करूं तो धनु राशि वाले लोगों के लिए मंगल का ये नीच राशि में गोचर उनके अष्टम भाव में होने वाला है। अष्टम भाव अचानक लाभ का होता है, तो ये तो बात तय है कि धनु राशि वाले लोगों को पैतृक प्रॉपर्टी से कुछ बड़े लाभ की संभावना है। आपको कोई डील ऐसी मिल सकती है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, कुछ ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल फिगर आपको बायर्स ऑफर कर सकते हैं जिसे आप ना नहीं बोल पाएंगे। इसके अलावा ये ड्राइविंग के समय सतर्क रहने का भी है, अष्टम में जब आते हैं मंगल तो थोड़ी बहुत चोट चपेट की संभावना बन सकती है, इसको आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, इसके लिए आप ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए कोई बेबी है वो धनु राशि का है, वो एक साल से कम का बेबी है, वो अगर बेड पे है, वॉकर पे है या चेयर पे है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो अचानक से कहीं गिर सकता है, उसे चोट आ सकती है। तो इसके लिए अगर इस तरह के कोई छोटे बच्चे धनु राशि के आपके घर में हैं तो आप उनका प्लीज़ बहुत ध्यान रखिए, उन्हें किसी तरह की चोट ना आने पाए, मंगल का ये गोचर उनके लिए खूब अच्छा हो। इसके अलावा परिवार में थोड़ी बहुत कलह हो सकती है, झगड़े झंझट का माहौल बन सकता है, और चूंकि धनु राशि वाले काफ़ी शांत प्रकृति के होते हैं
हालांकि ये फायरी साइन है और इनके अंदर तो एग्रेशन थोड़ा बहुत तो रहता ही है वो एलिमेंट, लेकिन ये साथ ही साथ समझदारी के भी बहुत बड़े ये द्योतक हैं और शायद कुछ मैच्योर राशियों में से एक हैं। इस पूरे जोड़ियक बेल्ट में धनु राशि को हम एक बहुत ही संतुलित और मैच्योर राशि मान सकते हैं। न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट होंगे, इसकी संभावना प्रबल है, तो इसके लिए मैं आपको अग्रिम बधाई देती हूँ। और आप भी वाहन के लिए, जैसे मैंने बताया, आप सारे अपने पेपर्स करेक्ट रखिए, आप जब भी गाड़ी से बाहर निकलिए तो पूरी अपने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिए, कहीं आपको कोई चोट चपेट ना आए, कहीं कोई चालान वगैरह ना कट जाए, तो इस तरह की स्थिति से आप बिल्कुल संभल के रहिएगा। आप भी ऑफिस के टूर से बाहर जा सकते हैं, नौकरी व्यापार के सिलसिले में आपकी यात्राएं बढ़ सकती हैं, तो ये भी आपके लिए है। और थोड़ी सी ये है कि नौकरी व्यापार में आपके हल्के फुल्के संघर्ष बने रहेंगे इस गोचर काल के दौरान। तो 12 राशियों के गोचर के बारे में जब मैंने गोचर की बात की और 12 राशियों को डिस्कस किया, तो ये मैं बताना चाहूँगी कि अगर जिन राशियों के लिए मंगल का ये गोचर अनुकूल नहीं है, उनको एक बहुत ही सीधा साधा उपाय करना है कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। देखिए, मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा से ज़्यादा प्रभावशाली कुछ भी नहीं है, तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान रखिए। सुबह नहा धोवा कर आप अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने एक चमेली के तेल का, जैस्मिन ऑयल का आप एक दिया जलाइए और 3 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप बजरंग बाण का भी अगर कर सकते हैं तो आप या तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का 3 बार पाठ कीजिए। ये भी बजरंग बाण भी बिल्कुल हनुमान चालीसा के जैसा छोटा सा है, 5 मिनट लगता है पढ़ने में। आप उसको अगर 3 बार करते हैं तो आपको मंगल संबंधी किसी भी समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। आप मंगलवार को हो सके तो सॉल्ट अवॉइड कीजिए। आप अगर आपका स्वास्थ्य परमिट करे, हेल्थ परमिट करे, आप डॉक्टर से पूछ के अगर एक दिन सॉल्टलेस रह सकते हैं, फ्रूट्स खाइए, आप जूस पीजिए या आप अनाज भी खाइए लेकिन बिना नमक के, तो आपको देखिए मंगल का बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा और मंगल संबंधी सभी दुख तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी। जैसा मैं अपने पहले के भी वीडियो में बताती हूँ कि मैं टोटके नहीं बताती कि आप मसूर का दाल बांध के पानी में फेंक दीजिए तो आपको बहुत, मैं ये सब अगर आपको लगता है कि ऐसे टोटके को सुनने के लिए आप अगर मेरे चैनल पे आते हैं तो शायद मैं आपको डिसअपॉइंट करूँ, पर आप जो मैं बताती हूँ आप वो सब करके देखिए और आपको 100% फायदा ना मिले तो आप बोलिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। एक बार पुनः आपसे आग्रह करती हूँ कि कार्यक्रम को पसंद करने के लिए, देखने के लिए अंत तक आपका बहुत बहुत आभार। आपको मैं ये भी निवेदन करूँगी कि एक बार जल्दी में सुनने पर नहीं उतना पता चलता है, आप 2 बार अपनी राशि को ज़रूर सुनिए, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, आपको बहुत स्पष्टता मिलेगी और आपको नई चीज़ें भी जानने को मिलेंगी। ज्योतिष के लिए जो आपकी रुचि है वो मुझे भी बहुत प्रेरित करती है कि मैं आपके सामने नई जानकारियाँ लेकर आऊँ और आपके सामने फिर से मैं हाजिर हूँ आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें तथा लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में साझा करें। इसके लिए मैं आपकी हमेशा आभारी हूँ और कार्यक्रम को अंत तक देखने के लिए पुनः धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।